स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में जो हमारा लेक्चर रहेगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर निर्भर करेगा। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इशू की गई है सरकार द्वारा। इस नीति का लक्ष्य जो है 2040 तक यानी 2040 तक भारत में एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना जिसमें बच्चों का चहुंमुखी विकास हो सके। तो आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर डिस्कस करेंगे। तो ये शिक्षा नीति जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इस शिक्षा नीति में जो मुख्य आधार है वो आधार पुरानी शिक्षा नीति की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के बाद एक भविष्य के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना जिसमें बच्चों का चहुंमुखी विकास, उनका एक समावेशी विकास हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। इस शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं यानी जो टॉपिक दिए गए हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसमें पहला भाग जो टॉपिक रहेगा भाग वन में स्कूल शिक्षा पर दिया गया है, यानी स्कूल शिक्षा में किस प्रकार से बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूलिंग हो सके, एक बेहतर स्कूलिंग के लिए उसमें सारे आस्पेक्ट के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। जैसे पहला टॉपिक बनाया सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, यानी तो शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है 3 साल तक वो घर में रहता है, 3 साल के बाद जब वो थोड़ा सीखना स्टार्ट करता है उस अवस्था की बात है, प्रारंभिक बाल अवस्था की। तो उसमें देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, यानी सरकार ने पहले टॉपिक में उसको डिफाइन किया है। दूसरा टॉपिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, यानी बच्चे जो है जो बेसिक शिक्षा है, फाउंडेशन एजुकेशन है, उसको कैसे तैयार करना है सीखने के लिए तत्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें, यानी अगर बच्चे को सिखाने के लिए एक पूर्व व्यवस्था यानी पहले से सिस्टम बनाया जाएगा, उसकी पहले से ही व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। भारत में एक बड़ी समस्या है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, आमतौर पर 7वीं 8वीं में बच्चे जो है स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट बच्चों को ना जाने देना, ड्रॉप आउट ना होने देना, उनकी संख्या को कम करना एक बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट में स्कूल में पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए, यानी जिसमें करिकुलम पाठ्यक्रम की बात है और शिक्षा शास्त्र यानी जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें टीचिंग होती है उसमें लर्निंग को समग्र एक इंटीग्रेटेड बताया गया है, एकीकृत बताया गया है, आनंददायी यानी एक इंजॉयफुल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए और रुचिकर इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए, उसके बारे में डिफाइन किया है। 5वें में शिक्षक यानी टीचर के ऊपर फोकस किया कि कैसा एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य इसमें समता मूलक यानी इक्वालिटी बेस्ड, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले और समावेशी, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी वर्गों को, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, यानी जो हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें किस प्रकार से मैनेजमेंट की जानी है, क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन यानी एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को बनाया जाना और प्रभावी गवर्नेंस, उसकी जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चलेगी ताकि बच्चों का बेहतर विकास हो पाए। नेक्स्ट में आता है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन यानी स्टैंडर्ड, स्कूली शिक्षा में कौन कौन से बेसिक स्टैंडर्ड रहेंगे उनको डिफाइन करने का प्रयास जो है इस टॉपिक में किया है। भाग दो यानी सेकंड पार्ट में उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन के बारे में सरकार ने फोकस किया है। इसमें गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण यानी हायर एजुकेशन की बात है, स्कूल के बाद कॉलेज एजुकेशन की, इसमें यूनिवर्सिटी लेवल की बात है। तो इसमें गुणवत्तापूर्वक यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए, स्कूली स्तर के बाद जो कॉलेज में चेंजेस होने हैं वो चेंजेस के बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन यानी इंस्टीट्यूशनल जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सरकार ने किया है कि कैसे संस्थाओं को बेहतर तरीके से पुनर्गठित किया जा सके।
नेक्स्ट टॉपिक में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, यानी सरकार जो है शिक्षा को समग्र बनाकर सभी लोगों तक पहुंचाकर और बहुविषयक मल्टी लैंग्वेज शिक्षा की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक में सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों का सहयोग, सीखने के लिए बेहतर इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाए और छात्र जो है कैसे पार्टिसिपेट करें, यानी स्कूल ही शिक्षा में अगर बच्चे या कॉलेज शिक्षा में बच्चे अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो बेटर एजुकेशन होती है। नेक्स्ट में प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय, जो हमारा सिस्टम है वो प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बच्चों की जरूरतों को फोकस करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट में ये टॉपिक आगे दिए गए हैं, चौदहवां है उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, यानी हायर एजुकेशन में इक्वालिटी और इंक्लूजन, सभी को इंक्लूड करना कैसे हो उसमें उसके बारे में बताया गया है। शिक्षक शिक्षा, हायर एजुकेशन में टीचर को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को कैसे ट्रेन किया जाना है उसके बारे में यहां पर डिफाइन किया गया है। सोलहवें में व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, व्यावसायिक शिक्षा होती है, उसको कैसे बेटर किया जाए उसके बारे में यहां फोकस किया गया है। नेक्स्ट में नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एक नए संगठन की स्थापना की बात की गई है, एनआरएफ, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से होगा, एनआरएफ के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक अकादमिक अनुसंधान को प्रेरित करना, यानी स्कूली और हमारे जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन है उसमें किस प्रकार से रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और गुणवत्तापूर्ण रिसर्च, एक अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च हो उसके बारे में फोकस किया गया है। उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन, यानी हायर एजुकेशन में जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं वो बताया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रभावी शासन नेतृत्व, यानी जो हायर एजुकेशन है उनमें किस प्रकार से हमारी गवर्नेंस हो, कैसे मैनेजमेंट हो, वो बेटर करने के लिए इसमें दिया गया है। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, कुछ और मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया गया है इस शिक्षा नीति में, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन किस तरीके से बेटर की जाए उसके बारे में, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, एक ऐसी एजुकेशन बनाने का प्रयास किया गया है जिसमें एल्डर जो लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो अनपढ़ रह गए उनके लिए शिक्षा हो, साथ में जीवन पर्यंत सीखना, यानी लगातार व्यक्ति सीखता रहे, लगातार इंप्रूवमेंट करता रहे शिक्षा में, उसके बारे में किस प्रकार से सुधार किए जाएं वो भी दिया गया। नेक्स्ट में भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति का संवर्धन, यानी शिक्षा के माध्यम से भारतीय भाषाओं को कैसे प्रेरणा मिले, कला आर्ट को कैसे प्रेरणा मिले और संस्कृति कल्चर को कैसे बढ़ावा मिले उसके बारे में इस टॉपिक में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट में प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा में किस प्रकार से हो, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी शिक्षा को बेटर बना सकती है ये टॉपिक डिफाइन करेगा। फिर आता है 24वां टॉपिक, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, आजकल ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस शिक्षा में ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को और बेटर कैसे किया जाए, कैसे बच्चों के लिए और बेहतर शिक्षा इसमें सुनिश्चित की जाए। लास्ट पार्ट जो है भाग चार में क्रियान्वयन की रणनीति, यानी इस शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाना है, किस किस स्तर पर लागू किया जाना है वो बताया गया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड को सशक्त करना है, पावरफुल बनाना है, इंपावर्ड करना है ताकि शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। 26वें टॉपिक में वित्त पोषण, सभी के लिए वहनीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी इस नीति में फाइनेंस कहां से आएगा, शिक्षा को किस प्रकार से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया जाए वो इसमें बताया गया। 27वें में क्रियान्वयन आ जाएगा, किस तरीके से इसको लागू किया जाना है। तो ये टॉपिक हैं जो शिक्षा नीति के मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने फोकस किया है। तो ये हमारी शिक्षा नीति की इंट्रोडक्शन है, परिचय दिया गया है। इस शिक्षा नीति में बताया गया है कि शिक्षा जो है कैसे स्थापित करनी है, क्या क्या कमियां थी उसमें वो बताया गया है, जैसे शिक्षा पूर्ण मानव सभ्यता को क्षमता को प्राप्त करने और न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के लिए विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने शिक्षा की जरूरतों को बताया गया है कि किस प्रकार से शिक्षा जो है बेहतर तरीके से कार्य करेगी और इसमें भारत में किस प्रकार से जो इतना बड़ा भारतीय समाज है उसको किस प्रकार से एजुकेटेड करना है, इसमें दिया गया है कि
2015 में भारत ने सतत विकास एजेंडे को अपनाया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDG कह देते हैं। तो SDG 2030 के लिए थे, जिनमें भारत में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास को बढ़ावा देना था, उसमें शिक्षा एक अहम भाग था। तो सरकार ने उसकी जरूरतों को देखते हुए शिक्षा नीति को लागू किया है। तो शिक्षा नीति की इंट्रोडक्शन में दिखाया गया कि सरकार किस प्रकार से शिक्षा नीतियों की कमियों को दूर करेगी और एक भविष्य के लिए ऐसी शिक्षा स्थापित करेगी जो सारे समाज के वर्गों के लिए, सभी बच्चों के लिए बेहतर भविष्य को स्थापित करेगी। तो ये बच्चों की शिक्षा को बेटर बनाने के कुछ एक इंट्रोडक्शन रूप से सरकार ने दिए हैं। तो इस शिक्षा नीति में जो मुख्य लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो रखा है 2040 तक, यानी 2040 तक, 2040 तक इस शिक्षा नीति को लागू करना है। तो यानी 2020 से लेकर 2040 तक शिक्षा नीति को और बेहतर तरीके से लागू करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों को दिखाना है। तो ये 21वीं शताब्दी की शिक्षा होगी, यानी ऐसी शिक्षा नीति जो पूरे लगभग 100 साल सरकार जो है शिक्षा नीति पे फोकस करेगी और इसमें देश के जो मानव संसाधन है उसको बेहतर करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो इसमें ये इंट्रोडक्शन में सरकार ने प्राचीन एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे जो शिक्षा में बहुत बेहतर होते थे, विद्वान होते थे, भिन्न भिन्न विषय में जो उनको ज्ञान होता था उस ज्ञान को आदर्श रूप में देखा गया है कि आने वाले समय में हम उनके आदर्शों पे चलकर शिक्षा को बेटर बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में काफी चीजें सरकार ने आदर्श रूप में दी हैं कि शिक्षा नीति जो है किस प्रकार से स्थापित करनी है। अब यहां सरकार ने पिछली नीति के बारे में वर्णन किया है। तो सरकार बताती है कि शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था, यानी पिछली शिक्षा नीतियों में यह सोचा जाता था कि शिक्षा कैसे बच्चों तक पहुंचानी है, एक मुख्य था। तो उसके तहत 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, जिसे 1992 में संशोधित अमेंडमेंट किया गया था। तो सरकार ने देखा है कि 1986 और 92 की शिक्षा नीति के सुधार जो हुए, उसके बाद आगे जाने के लिए, भविष्य के लिए, रास्ते के लिए एक नई शिक्षा नीति बनानी थी। तो 1986-92 की शिक्षा नीति से आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो इस शिक्षा नीति के आधार दिए हैं सरकार ने कि कौन कौन से आधार हैं। तो पहले आधार में दिया है सरकार ने कि अच्छे इंसानों का विकास, यानी अच्छा मानव, एक अच्छे मानव का निर्माण करना शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। तर्कसंगत विचार, लॉजिकल थिंकिंग हो बच्चों में, कार्य करने की सक्षमता यानी इंपावरमेंट हो कोई भी कार्य करने के लिए, करुणा दया हो, सहानुभूति, साहस ब्रेवनेस, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, साइंटिफिक टेंपर या थिंकिंग वैज्ञानिक चिंतन हो। फिर आता है रचनात्मक कल्पना शक्ति यानी एक क्रिएटिव इमेजिनेशन ये, और फिर लास्ट में दिया उन्होंने नैतिक मूल्य और आधार यानी मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज। तो सरकार ने यहां से आधार उठाए हैं कि हमारी शिक्षा नीति में कौन कौन से मुख्य तत्व, मुख्य आधार रहेंगे। तो लॉजिकल थिंकिंग हो, फिर आता है सक्षमता, एम्पावरमेंट हो, करुणा दया भाव हो, सहानुभूति, साहस, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी हो, वैज्ञानिक चिंतन यानी साइंटिफिक टेंपर, साइंटिफिक थिंकिंग हो, रचनात्मक कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी हो, साथ में इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी हो, वो देखा गया है, और मॉरल वैल्यू और आधार, ये शिक्षा नीति में आधार रखे गए हैं। साथ में शिक्षा नीति में समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन को स्थापित करना, बहुलतावादी समाज, हमारा समाज जो है मल्टीकल्चर सोसाइटी है, बहुलता के आधार पर है, तो उसमें किस प्रकार से शिक्षा सहायक हो सकती है वो चीज देखी गई है। तो इस शिक्षा नीति में इन आधारों को चर्चा दी गई। सबसे मुख्य जो हमारी शिक्षा के नीति के आधार है, जिन्हें हम मूलभूत आधार कह सकते हैं, जैसे मूलभूत सिद्धांत। तो इस लेक्चर में हम मुख्य तत्वों को डिस्कस करेंगे जो शिक्षा नीति के मुख्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता की स्वीकृति, पहचान, उनके विकास हेतु प्रयास करना। तो इस शिक्षा नीति में हर बच्चे की स्पेशलाइजेशन पर फोकस करना है कि हर बच्चे में विशिष्ट क्षमताएं हैं, स्पेशलाइज एबिलिटीज हैं, उनको कैसे पहचानना है, उनके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे उनको विकसित करना है। पहला जो मुख्य है
उद्देश्य इसमें ये रखा गया है। दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, यानी बेसिक एजुकेशन जो फाउंडेशनल एजुकेशन है वो देना, साथ में संख्या ज्ञान जो न्यूमरेसी है, नंबर नॉलेज है, उसको बढ़ावा देना ताकि बच्चों में बेहतर तरीके से शिक्षा को हम प्रेरित कर सकें। तीसरा लक्ष्य रखा गया लचीलापन। हमारी शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि उसमें रिजिडनेस। फ्लेक्सिबिलिटी मेन होती है ताकि ये जो है जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, बच्चों की विकास के लिए फ्लेक्सिबल हो। इसमें ऐसा कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो या उसमें कोई कमी आए। तो लचीलापन शिक्षा व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है नई शिक्षा नीति में कला और विज्ञान के बीच में अंतर नहीं है। पहले क्या होता था, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में आर्ट के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के, एक अलग अलगाव था, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा था। तो इस शिक्षा नीति में सबको एकीकृत करने का प्रयास है, आर्ट और साइंस के डिफरेंस को कम करने का प्रयास है, यानी उसमें ज्यादा एलिनेशन नहीं होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण हो, इंटीग्रेशन हो, जुड़ाव की बात इसमें की गई है। तो ये शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्य हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं, आगे देख लेते हैं। फिर आता है हमारी शिक्षा नीति में सभी ज्ञान की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना, यानी ज्ञान एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, यूनिटी है। सामाजिक विज्ञान हो, कला का हो, मानविकी हो, खेल के बीच में एक बहुविषयक डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा, यानी इंटीग्रेटेड। एक डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या होता है कि हम समग्र एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन को विकसित करना है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी अलग अलग व्यवसाय को, अलग अलग खेल कूद पढ़ाई लिखाई को एकीकृत करके एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर बच्चे के विकास के लिए शिक्षा को एकता और अखंडता से जोड़ा गया है। क्योंकि शिक्षा में ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, उसमें बहुत सारे नॉलेज चलती है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान चलता है, तो उसको एकीकृत करने का प्रयास है। फिर आता है अवधारणात्मक समझ, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा नीति में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया है। रटंत पद्धति, जो रटने की हमारी पद्धति थी, उसको कम करने का प्रयास है। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, पहले क्या होता था कि हम एग्जाम बेस्ड लर्निंग करते थे, पेपर पास करने के लिए पढ़ाई करते थे, उस चीज को दूर करने का प्रयास है। यहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। फिर आता है रचनात्मक और तार्किक सोच, क्रिएटिविटी और एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम अपने देश में किस प्रकार से रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दें, तार्किक सोच, एक लॉजिकल पावर को बढ़ावा दें, तर्क करने की शक्ति को बढ़ावा दें। नैतिकता और मानवीय और संवैधानिक मूल्य, हमारी शिक्षा नीति में कौन से मूल्य होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो नैतिकता, मॉरेलिटी, मानवीय ह्यूमनिक ह्यूमन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मूल्य। तो शिक्षा नीति के जो मूल्य है वो मॉरल होंगे, ह्यूमन होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होंगी, जिनमें सहानुभूति, प्रेम, सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना एवं सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान। तो जो भारत के समाज में वर्तमान में कमियां दिखाई देती हैं, उनको दूर करने के लिए मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। अगला लक्ष्य है इसमें बहुभाषिकता, यानी मल्टी लैंग्वेज। हमारी शिक्षा में मल्टी लैंग्वेज शिक्षा को बनाने का प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को, भाषा की शक्ति, लैंग्वेज की पावर को प्रेरित करना, ताकि भाषा का विकास भी हो और बच्चों का विकास भी बेहतर तरीके से हो। फिर आता है जीवन कौशल। जीवन कौशल में क्या आता है कि बच्चों को किस प्रकार से स्किल्ड करना है, उनको जीवन में ऐसे जो काम आने वाले स्किल्स हैं वो देने के लिए जीवन कौशल की बात की गई है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, हमारी नई शिक्षा नीति में सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट की बात है, यानी लगातार इवैल्यूएशन करना, लगातार असेसमेंट करना, ताकि शिक्षा को और बेहतर किया जा सके, कमियों को निकाला जा सके। तो ये शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, यानी तकनीक, टेक्नोलॉजी का यथासंभव जितना जरूरी है उतना प्रयोग किया जाए शिक्षा को और बेटर करने के लिए।
फिर आता है सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक सर्ववर्ती विषय है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विविधता और स्थानीय परिवेश, हमारा देश बहुत ही विविध है, डाइवर्स है, तो लोकल कल्चर को, लोकल परिवेश, लोकल इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए एक ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना जो देश के सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के, सभी कल्चर, सभी लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी हो। तो इसमें समवर्ती विषय यानी एजुकेशन हमारा एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए करना। यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने कह दिया और लागू करना है, यानी लोकल जरूरतों को भी पूरा करना है। फिर आते हैं सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। जब हम शिक्षा नीति को लागू करते हैं तो उसमें समता, सभी की बराबरी, समानता और समावेशन, सभी का इंक्लूजन, तो इक्वेलिटी और इंक्लूजन इसका मेन एम है, यानी हमें सभी को शामिल करके, सभी को साथ लेकर शिक्षा नीति को लागू करना है, सभी की पहुंच हो, सभी को साथ रखना है। फिर आता है स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से, यानी शिक्षा ऐसी हो जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा तक एक तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो और जुड़ाव हो। तो ऐसी शिक्षा जो बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका साथ दे और लगातार उसमें एक कोऑर्डिनेशन चलता रहे। नेक्स्ट में शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र मानना, यानी इसमें शिक्षकों पर भी ध्यान है कि कैसे हम बेहतर शिक्षकों को अपॉइंट करें, उनकी भर्ती कैसे हो, अपॉइंटमेंट कैसे हो, उनको कैसे हम तैयार करें, उनको प्रिपेयर करें ताकि वो उत्कृष्ट व्यवस्था, एक हायर एजुकेशन को एक बहुत ही बेहतर तरीके से दे सकें, यानी बेटर एजुकेशन देने के लिए उनको व्यावसायिक विकास, उनका प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो, सकारात्मक कार्य वातावरण, एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट जिसमें अच्छा टीचर, जो आदर्श टीचर है वो ग्रो कर सके और अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सके। फिर आता है शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, यानी शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंटीग्रिटी हो, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता होती है उसमें ट्रांसपेरेंट हो, कोई करप्शन ना हो, और संसाधनों की कुशलता यानी एफिशिएंसी हो, रिसोर्स को एफिशिएंट तरीके से लागू करना, उसकी ऑडिटिंग सिस्टम को ऑडिट करने की क्षमता, सार्वजनिक प्रकटीकरण यानी एक पब्लिक डोमेन में हो, यानी सभी लोगों को उसका पता हो, प्राकृतिकरण यही होगा। फिर आता है हल्का लेकिन प्रभावी, एक ऐसा ऑडिटिंग हो जो हल्की हो, ये ना हो कि भार डाले लगातार ऑडिटिंग पर ही ध्यान है शिक्षा छूट गई, हल्का लेकिन प्रभावी इफेक्टिव सिस्टम, एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम जिसमें बच्चों की जरूरतों पर मेन फोकस किया जाए, साथ में सिस्टम को ऑडिट करना हो और उनकी कुशलता पर भी ध्यान दिया जा सके। फिर आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, यानी अच्छी शिक्षा वो है जिसमें लगातार रिसर्च, लगातार शोध भी होना चाहिए, तो रिसर्च पर भी फोकस किया गया है। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन, यानी जितने भी एजुकेशनल प्रोफेशनल हैं, रिसर्चर हैं, उनको बढ़ावा देना ताकि वो लगातार रिसर्च, निरंतर अनुसंधान करते रहें, नियमित मूल्यांकन, लगातार असेसमेंट करते रहें सिस्टम की, ताकि बेहतर शिक्षा को प्राप्त किया जा सके। फिर आता है भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, यानी शिक्षा ऐसी हो जो हमारी जड़ों से जुड़ाव रखे, भारतीय कल्चर को बढ़ावा दे साथ में और प्राचीन इतिहास के साथ भी वो जुड़ी रहे। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा, शिक्षा का एक उद्देश्य रखा गया है कि ये पब्लिक सर्विस है, सार्वजनिक सर्विस है, सार्वजनिक सेवा है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए, यानी बच्चे को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए और सभी का एक बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है शिक्षा दिया जाना और उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, मजबूत सिस्टम हो, पैसे का, फाइनेंस की जरूरतें भी पूरी होते रहे, क्योंकि शिक्षा तभी कार्य करेगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात दी गई है। तो ये हमारी शिक्षा नीति के मुख्य लक्ष्य हैं। अब जो बेसिक चीज हमारी शिक्षा नीति में चेंज हुई है वो बता देता हूं आपको। तो शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा पर फोकस किया गया है। सबसे पहले सरकार ने जो हमारा सिस्टम था 10+2, यानी शिक्षा में एक सिस्टम था हमारा, 10वीं तक की शिक्षा
ये 10वीं तक की शिक्षा है, 6 से 16 तक की शिक्षा, और प्लस 2 यानी 16 से 18 वर्ष में जो 11वीं और 12वीं की शिक्षा। तो हमारा एक सिस्टम था जिसमें हम बचपन से यानी 6 वर्ष से लेकर 12वीं क्लास तक यानी 6 से लेकर 18 वर्ष तक हम लगातार पढ़ते थे। ये हमारा पुराना सिस्टम था एजुकेशन का। अब सरकार ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, ये सिस्टम है हमारा 5-3-3-4 यानी एजुकेशन में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सरकार ने। 5 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष यानी शिक्षा को 4 खंडों में विभाजित किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है, और यह सिस्टम जो है हमारा अब बना है। तो नया सिस्टम हमारा ऐसा है यानी नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा। अब हमारा नया शैक्षणिक सिस्टम जो है इस प्रकार से है। इसमें पहला जो है सिस्टम 5 वर्ष का यह है, 5 वर्ष का सिस्टम यह है, 3 वर्ष का सिस्टम यह है, और 3 वर्ष का सिस्टम यह है, और 4 वर्ष का सिस्टम यह है। तो शिक्षा में एक आधारभूत परिवर्तन किया है सरकार ने, वो ये है कि पहला जो 5 वर्ष का सिस्टम है, पहले शुरुआत के 5 ईयर हैं उनको फाउंडेशनल यानी आधारशिला फाउंडेशन माना है, फाउंडेशनल। अगले 3 साल जो है उनको प्रिपरेटरी माना है, एक तैयारी के रूप में प्रिपरेटरी माना है। उसके ऊपर 3 साल को मिडिल माना है, मिडिल क्लास को 6 से 8 के लिए मिडिल माना गया है, और सेकेंडरी एजुकेशन को 14 से 18 के लिए 4 वर्ष के लिए रखा गया है। तो शिक्षा में 4 खंड 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। ये ब्लॉक स्टार्ट होते हैं 3 वर्ष से, याद रखना है आपको, शिक्षा अब शुरू होगी 3 वर्ष से। पहले क्या होता था, हम 6 वर्ष से यानी जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तो वो शिक्षा ग्रहण शुरू करता था। अब बच्चे को 3 वर्ष से शुरुआत देंगे हम। अब वो शुरू के 3 वर्ष से जब शुरुआत करेगा, 3 साल से जब उसकी शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत जो है 8 वर्ष तक यानी 3 से 8 वर्ष तक वो 5 साल पढ़ेगा। तो फाउंडेशनल में 5 साल ये पढ़ाई करेगा वो, अब 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। तो इसमें उन्होंने लाइन खींची है, देखो सरकार ने यह लाइन बताती है कि पहले 3 साल जो शुरुआती 3 साल हैं, 3 साल से 6 वर्ष तक जो पहले 3 साल है पढ़ाई के, तो इन 3 साल में बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, जो हमारे वो होते हैं आंगनवाड़ी होते हैं, ये प्री स्कूल में आते हैं वैसे, तो बाल वाटिका हो, प्री स्कूल मैनेजमेंट में सरकार ने 3 वर्ष के लिए शिक्षा बच्चे के लिए जरूरी की है कि शुरुआत में बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी में बेसिक शिक्षा ग्रहण करेगा, खेल कूद से खान पान को बेहतर करेगा और बेसिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो पहले 3 साल ये हैं। दूसरे जो 2 साल हैं वो आएंगे जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा, तो 6 में उसका स्कूल में इनरोलमेंट होता है, तो वैसे ही इनरोलमेंट होगा स्कूल में, प्रॉपर स्कूल में। अब यहां उसकी पहली क्लास की पढ़ाई होगी, 6 से 7 वर्ष तक पहली क्लास और 7 से 8 वर्ष तक उसकी दूसरी क्लास। तो ये जो है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष जो है कक्षा 1 कक्षा 2 क्लास 1 क्लास 2 के लिए होंगे। तो ये 5 वर्ष यानी शुरुआत में 3 से लेकर 8 वर्ष का सिस्टम होगा। 5 साल बच्चा फाउंडेशन एक आधार तैयार करेगा, बेसिक चीजों को ज्ञान, एक अपने दिमाग को खोलेगा, खेल कूद में खान पान को बेहतर करेगा, शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है। तो ये 5 वर्ष उसके ग्रहण करने के हैं, तो इसमें ग्रहण करेगा वो। अब बच्चा आता है जब बच्चा 8 वर्ष से इसमें हमारा जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा 8 वर्ष से 11 वर्ष तक। अब आता है प्रिपेटरी यानी क्लास कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। जब कक्षा 3 में बच्चा आएगा और 5 तक शिक्षा ग्रहण करेगा वो, तो 8 से 11 वर्ष तक 3 साल इसको सरकार ने प्रिपेटरी माना है, शुरुआती माना है, एक ऐसा जो तैयारी के रूप में है बच्चे को और बेटर तैयार करने के लिए। तो इसमें कक्षा का ज्ञान होगा, स्कूली शिक्षा होगी ये भी। फिर उसके बाद आता है 11 वर्ष से 14 वर्ष तक, यानी बच्चा जो है अब मिडिल में आ गया यानी माध्यमिक शिक्षा में आ गया, मिडिल स्कूल में आ गया। तो यहां पर 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक शिक्षा में 6th से लेकर 8th क्लास तक वो पढ़ेगा। एज उसकी 11 से 14 वर्ष तक जाएगी, तो एज में 11 से 14 के बीच में बच्चा मिडिल स्कूल की शिक्षा ग्रहण करेगा, मिडिल स्कूलिंग आएगी। तो ये शिक्षा का 3रा चरण है। उसके बाद आता है हमारा जो अंतिम चरण रहेगा स्कूली शिक्षा का एजुकेशनल में, वो आएगा सेकेंडरी।
तो यहां तो सेकेंडरी है जिसमें बच्चा अब नौवीं कक्षा से, याद रखने वाली बात है कि कक्षा नाइन्थ से आएगा अभी यहां, पहले हमारे देश में ग्यारहवीं बारहवीं आती थी, अब आ गया है नौवीं से बारहवीं, यानी चार वर्ष, चार साल, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और प्लस टू, ये चार वर्ष शिक्षा के सेकेंडरी स्कूलिंग में आएंगे जिसमें नौवीं क्लास से बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, स्किल्ड शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन हो या आर्ट साइंस के सभी सब्जेक्ट का ज्ञान कराना हो वो चीजें यहां पर पूरी की जाएंगी। ये 14 से 18 तक चलेगी, ये शिक्षा चलेगी 14 टू 18 ईयर्स। तो ये हमारी शिक्षा का जो स्कूली शिक्षा है उसका अंतिम चरण होगा। तो हमारी शिक्षा में पांच वर्ष, तीन वर्ष और चार वर्ष। तो एक तरीके से हमारी शिक्षा जो है अब 5-3-3-4 5-3-3-4 सिस्टम में डिवाइड की गई है। यह शिक्षा नीति का एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है, इससे शिक्षा को बेटर किया जा सकता है, बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्या क्या नीड्स है, स्पेशल नीड्स क्या क्या है, उनके सीखने को बेहतर किया जा सकता है। तो हमारी शिक्षा नीति में इसको लागू किया गया है। तो ये हमारी शिक्षा का एक बहुत ही बेहतर आयाम सिद्ध होगा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में स्टार्ट हुई है, 2040 तक इसको लागू किया जाना है, 20 वर्ष का टाइम दिया गया है सरकार ने, ये 20 वर्ष में लागू होगी और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चों की जरूरतों को फोकस करेगी, उनको बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेगी। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।